हे गाइस, दिस साइड इज प्रतोषा वर्मा। लास्ट क्लास में हमने जो नोज़ की एनाटॉमी के बारे में नोज़ की स्टडी करी थी, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देती। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आज जो मैं नोज़ को प्रॉपर नोज़ को रियलिस्टिक जो उसमें शेडिंग होगी तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में ये समझा था, तो आज हम नोज़ की ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के साथ मैं आपको उसमें शेडिंग भी बताती हूँ। आइए, अब हम नोज़ की पहले सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। नोज़ की शेप को ड्रॉ करते हैं। फ्रंट नोज़ जो आपको बताई थी, सबसे पहले हम वही ड्रॉ करेंगे। गाइस देखिए, अब हमने ये नोज़ की शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम इसी में ही शेड्स डालेंगे। अगर फ्रंट से शेड आएगा तो हमारी जो फ्रंट में है, तो हमारा जो फ्रंट का, अगर फ्रंट से लाइट आ रही है हमारी, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये लाइट टोन आएगी इसमें। लाइट और एकदम ब्राइट टोन भी हमें, वाइट टोन भी छोड़ना पड़ेगा। और देन इसके साइड में हमारे शेड्स, डार्क शेड्स आएंगे। तो मैं अब आपको इसमें शेडिंग करके दिखाती हूँ कैसे आप किस तरीके से शेड कर सकते हैं। और आपको टोन्स जो मैंने आपको शेडिंग के टोन्स जो बताए थे, वही इसमें शेड के टोन्स यूज़ होंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको हम अगर इस साइड के दोनों साइड को अब अगर हम डार्क कर देंगे, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, फ्रंट का पोर्शन है, खुद एक तो उठा और निकल के आएगा, और इससे आपकी जो लाइट टोन है, लाइट टोन भी इसमें निकल के आ जाएगा, अगर आप प्रॉपर इसको शेड अच्छे से देंगे तब। देखिए, मैं आपको शेड देख के बताती हूँ। देखिए, अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे ये वाला जो शेड है। मैं आपको शेड दिखाती हूँ किस तरीके से आप शेड ड्रॉ करेंगे। शेड सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइट टोन धीरे धीरे हाथों से चलाना है, एकदम पेंसिल को एकदम स्मूथली और स्लोली स्लोली चलाना है। अभी मैं वही एक ही टोन देती जा रही हूँ। अभी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा, अभी जो दूसरी टोन है मैंने वो नहीं टोन अभी अप्लाई किया। मैं डार्क टोन में आऊँगी। आपको भी ऐसे ही करना है, एकदम से डार्क टोन में नहीं आना। अब धीरे धीरे करके हम डार्क टोन बढ़ाएंगे। एकदम से नहीं बढ़ाना है हमें, धीरे धीरे करके डार्क टोन बढ़ाना है।
एकदम एकदम लाइट टोन नहीं आएगी, उससे थोड़ी मीडियम आ जाएगी। तो आई होप आपको ये शेडिंग का समझ आएगा। मेरा आज ये मोटो यही था, बस आपको शेडिंग बताना, शेडिंग कैसे करते हैं, रियलिस्टिक शेडिंग अगर आपको करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें बस आपको क्या करना है, आपको स्मूथली हर चीज़ को स्मूथली चलाना है, पेंसिल को स्मूथली चलाना है, जिससे कि आपकी शेडिंग जो है एकदम फाइन वाली शेडिंग निकल के आएगी। अगर आप पैचेस वाली करेंगे, पैचेस में अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो वो अच्छे से नहीं निकल के आ पाती है, तो उसको आराम आराम से स्लोली स्लोली करिए। और अगर आपको कहीं पे लाइट टोन निकालने के लिए अगर आप बाई चांस अगर आपका रह जाता है लाइट टोन निकालना, अगर आप रह जाता है आप शेड कर दे, तो आप इरेजर से भी शेड निकाल सकते हैं, और इरेजर के टूल्स भी बहुत आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस सब्सक्राइब करेगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस दिखाएगा, जिससे कि जो चीज़ ये जो पेंटिंग सीखना चाह रहा हो वो मेरी वीडियो देख देख के वो सीखने पाए। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।